Welcome you all for certificate course on computer basics and MS Office from basic to advanced. Friends, हम लोगों ने MS Excel शुरू किया था. So उसमें हम लोग आज we will learn today MS Excel. और MS Excel में हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम लोगों ने कल देखा था कि एक sheet है, तो उस sheet के अंदर हमको बहुत सारे columns और rows दिखाई देते हैं और कॉलम्स और रोज का कॉम्बिनेशन बनता है एक सेल. तो एक्चुअल हमारा एडिटिंग या टाइपिंग कहाँ पे होता है? इन द सेल. ठीक है, तो उसको हमको अगर मॉडिफाई करना है कॉलम की विड्थ को ताकि हमारा कंटेंट ठीक से दिखाई दे, या रो की हाइट को ताकि हमारा कंटेंट प्रॉपरली दिखाई दे, तो उसके लिए हमने कैसा करना है? जब हम कुछ रोज या कॉलम्स और ऐड करने हैं तो कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं, कहाँ तक हम इंसर्ट कर सकते हैं रोज कॉलम्स के साथ. आपको जैसे स्पेसिफिक कुछ चीजें हाइड भी करनी है, जैसे नहीं दिखाना है, तो वो भी कैसे कर सकते हो, वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो. रो और कॉलम एक्स्ट्रा हो गए, उनको डिलीट करना है, तो वो भी आप यहाँ पे वो सेटिंग कर सकते हो. ठीक है, सो नाउ फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करेंगे. सो कॉलम विड्थ अगर आपको मॉडिफाई करना है तो आपको क्या करना है, देखिए जैसे ए और बी कॉलम है तो उसके बीच में जब आप कर्सर लाएंगे तो आपको ऐसा टू डायरेक्शन वाला ऐसा वाला एरो दिखेगा. तो जब आप उसको क्लिक करोगे ना और खींचोगे टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट, तो अकॉर्डिंगली लेफ्ट साइड में जाओगे तो रिड्यूस होगा और राइट साइड में जाओगे तो उस पर्टिकुलर कॉलम का साइज बढ़ेगा. अब जितने कॉलम सिलेक्टेड है ना उतने कॉलम पे ये काम करेगा. अभी यहाँ पे आपको एक कॉलम के रिलेटेड दिख रहा है, ठीक है, अगर आपने एक से ज्यादा कॉलम सिलेक्ट किए होते ना तो उतने नंबर ऑफ कॉलम्स एक साथ में उतनी साइज उसकी कम या ज्यादा आप कर सकते हो. ठीक है, अभी जैसे ये देखिए मैंने कॉलम के नाम पे क्लिक किया तो जैसे ही मैंने नाम पे क्लिक किया ना वो हाईलाइट हो जाता है, पूरा सिलेक्ट हो जाता है और फिर मैं उसका साइज जो है वो बढ़ा सकती हूँ. तो साइज बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया, फॉर्मेट मेनू पे गई और यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विड्थ ऑप्शन है या कॉलम विड्थ ऑप्शन है. ऑटोफिट कॉलम विड्थ क्या करता है, आपको ऑप्शन अवेलेबल करके देता है कि लाइक जितने मेरे कंटेंट्स होंगे उतना ही वो विड्थ दिखाई देगा और कॉलम विड्थ अगर स्पेसिफिक मुझे कुछ रखना है तो उतना मैं रख सकती हूँ. ठीक है, सो वो भी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कराऊंगी. ठीक है, नेक्स्ट रो हाइट कैसे हम लोग वर्कआउट करते हैं, तो देखिए जैसे हम लोगों ने कॉलम के नाम पे लाए थे वैसे ही अगर हम रो के नाम पे माउस पॉइंटर लाएंगे तो आपको दिखेगा इस तरीके का टू साइडेड एरो. तो अगर मैं क्लिक करके उसको नीचे या ऊपर खींचूंगी तो अकॉर्डिंगली नीचे खींचने के बाद नीचे ड्रैग करने के बाद वो साइज इंक्रीज होगा और जैसे मैं रिड्यूस करना चाहूंगी तो मुझे ऊपर साइड उसको क्लिक करना चाहिए. ठीक है, क्लिक करके ड्रैग करना चाहिए. ठीक है, अब अगर मुझे स्पेसिफिक साइज चाहिए तो मैंने राइट क्लिक करना है नाम पे और पूरा का पूरा रो सिलेक्ट हो जाएगा और फिर उस हिसाब से देखो राइट क्लिक मेनू में भी आता है रो हाइट या ऑप्शन उसका लाइक, बट अगर मुझे चाहिए तो मैं यहाँ से फॉर्मेट मेनू से भी उसको सिलेक्ट कर सकती हूँ, रो हाइट कितनी चाहिए या ऑटो फिट रो हाइट. तो रो हाइट के हिसाब से वो स्पेसिफिक मेजरमेंट के हिसाब से भी ले सकते हैं आप या फिर कंटेंट के हिसाब से उसको ऑटो फिट भी कर सकते हैं. ये सारा मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगी आपको. देन अगर रो इंसर्ट करना है तो इंसर्ट कहाँ करना है, दो रोज के बीच में करना है, ऊपर करना है, नीचे करना है, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो. ठीक है, फ्रॉम द इंसर्ट ऑप्शन. ठीक है, उसके बाद आप कॉलम को इंसर्ट करना है तो इंसर्ट में जैसे इंसर्ट रोज ऑप्शन है तो वैसे ही इंसर्ट सेल्स ऑप्शन है, इंसर्ट कॉलम ऑप्शन है, तो उसमें से आप कॉलम सेल्स या रोज सिलेक्ट कर सकते हो. ठीक है, अगर आपको रो और कॉलम डिलीट करना है तो कैसे करोगे, रो और कॉलम डिलीट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है फ्रेंड्स. अगर
गलती से आपका रो और कॉलम डिलीट हो गया और वो सेव हो गया, तो आपके पास फिर चॉइस नहीं रहता कि उसको रिवर्ट बैक करने का. कुछ कुछ एक्सेल के जो अंडू ऑप्शंस हैं वो तब तक के काम करते हैं जब तक के सेव नहीं होता. ठीक है, सो प्लीज बी केयरफुल व्हाइल यू आर डिलीटिंग द रोज एंड कॉलम्स. सो रो या कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे, अगर मैं सिर्फ डिलीट बटन प्रेस करती हूँ तो उसमें के कंटेंट हट जाएंगे बट सेल्स और वो कॉलम्स ब्लैंक वहां पे दिखाई देंगे. ठीक है, बट अगर आपको रो या कॉलम पूरा का पूरा हटाना है तो उन रो या कॉलम को सिलेक्ट करके आपको डिलीट ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, डिलीट रोज या डिलीट कॉलम्स. ठीक है, तो यहाँ पे आपका होमवर्क क्या बनेगा, आपको होमवर्क में ओपन करना है वर्कबुक, कॉलम एक इंसर्ट करना है, रो एक इंसर्ट करना है, कॉलम जो इंसर्ट किया था उसको डिलीट करके देखना, विड्थ को एडजस्ट करना या फिर ऑटो एडजस्ट करके देखना, हाइट को भी रो के मैनेज करना और फिर सेव करना. ठीक है, सो वी विल सी टू दैट. हम लोग एमएस एक्सेल स्टार्ट करेंगे. ओके, कल हम लोगों ने एक फाइल बनाई थी, आई एम जस्ट ओपनिंग दैट फाइल. ओके, ये कल की बनी हुई फाइल है, देखो ब्लैंक फाइल है. ठीक है, अब मैं इसमें कुछ डेटा एंटर कर रही हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले इसमें मैंने नेम डाला, दूसरे इसमें क्लास, तीसरे इसमें एज, और अब मुझे इसमें डेटा डालना है. मैं ए नाम रख रही हूँ, दूसरे का बी नाम रख रही हूँ, तीसरे का सी, ये फिफ्थ में है, ये फोर्थ में है, ये सिक्स्थ में है. ठीक है, इसका एज 12 इयर्स है, 11 इयर्स है और 13 इयर्स है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, डोंट बी स्पेसिफिक विद द नंबर्स. ओके, अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे क्या क्या सेटिंग करना है. तो पहले जैसे अभी ये नेम के बाद देखो बहुत सारी जगह ऑक्यूपाई हुए भी है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसको ना खींच के थोड़ा सा इस तरीके से कर सकती हूँ. क्या किया देखो मैंने, ये देखिए जैसे ही मैंने माउस पॉइंटर लाया, ये देखो मैंने अभी ड्रैग का माउस छोड़ा नहीं है, माउस से जो हम ड्रैग करते हैं ना क्लिक करने के बाद, वो छोड़ा नहीं है. तो जहां तक मुझे चाहिए इस तरीके से मैं कर सकती हूँ. ठीक है, एक और ट्रिक आपको बताती हूँ, जितने आपके कंटेंट्स होंगे आप जब ऐसे टू साइडेड लाओगे ना तो इस पर डबल क्लिक करना, तो जितने आपके कंटेंट्स रहेंगे उसके हिसाब से वो मैच कर लेगा, सेम हियर. ठीक है, ये हो गया एक तरीका, मैं कंट्रोल जेड कर रही हूँ सो दैट नॉर्मल पे आ जाएगा. ओके, अब इसको मैं रो हाइट को भी कम ज्यादा कर सकती हूँ, क्लिक करके ऊपर नीचे खींच रही हूँ, ड्रैग कर रही हूँ, तो इस तरीके से रो हाइट कम या ज्यादा हो रही है. ठीक है, ओके, अब आपको कहा गया है कि आपने अगर वो कॉलम सिलेक्ट किया, फॉर्मेट में गए, तो देखिए कॉलम विड्थ ऑप्शन आता है, तो अंदाजे इतनी वाली कॉलम विड्थ 18.27 की है. आपको लगता है कि आपका काम एग्जैक्ट 15 पॉइंट्स के कॉलम विड्थ में हो जाएगा, तो आप 15 सिलेक्ट कीजिए. ठीक है, कॉलम विड्थ में आप जो आप नंबर डालोगे एग्जैक्टली उतने विड्थ का वो कॉलम क्रिएट होगा. ठीक है, ड्रैग करने में कम ज्यादा हो सकता है. ठीक है, बट यहाँ पे आप उस हिसाब से वर्कआउट कर सकते हो, आपके एग्जैक्ट वैल्यूज के हिसाब से आप वर्कआउट कर सकते हो. ओके, सो ये हो गया कॉलम का. आपको कहा गया था कि एक से ज्यादा भी कॉलम आप साथ में सिलेक्ट कर सकते हो, तो मैंने क्या किया, क्लिक करके कॉलम के नाम पे ड्रैग किया, तो देखो मैंने कितने कॉलम सिलेक्ट किए, 3 कॉलम सिलेक्ट किए. अब मैं क्या कर रही हूँ, फॉर्मेट में जा रही हूँ, कॉलम विड्थ
और सपोज मैंने 12 का कॉलम विड्थ दिया तो तीनों को एक सरीखा सेटिंग आ जाएगा। ये हो गया एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, अगर मैं सिलेक्टेड कॉलम्स हैं और सिर्फ मैं ड्रैग कर रही हूँ तो देखो तीनों को सेम जो कॉलम विड्थ है वो अप्लाई होती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी हम वर्कआउट कर सकते हैं। नाउ फॉर रोज, अभी मैंने नाम पे जब मैंने क्लिक किया तो देखिए वो रो सिलेक्ट हुई, मैं फॉर्मेट में गई, रो हाइट, तो अभी वो 12 के रो हाइट है, मैं उसको 16 की साइज दे रही हूँ। तो देखिए थोड़ा सा साइज उसका बड़ा हुआ है, आपको लगता है आप उसको और इंक्रीज कर सकते हो सॉरी आपको लगता है 40 की रो साइज चाहिए तो देखिए कितनी विड्थ आ जाएगी। डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट्स यू आर टाइपिंग, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें मैंने ये कंटेंट्स टाइप किए, ठीक है, और इसको मैं रैप टेक्स्ट कर ठीक है। अभी देखो पूरे कंटेंट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ इसके रो को और कॉलम को थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकती हूँ तो मुझे पूरे कंटेंट्स दिखाई देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने सेटिंग किया है। अभी ये छोटे छोटे वर्ड्स थे तो हम लोगों को वो फर्क फील नहीं हो रहा था, अभी आई गेस यहाँ पे आप लोगों को समझ में आएगा कि पूरे कंटेंट्स देखने के लिए हमने उसको कैसे वर्कआउट किया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन, अब अगर मुझे जैसे इसमें का हमने साइज देख लिया और इसका वर्कआउट करा, ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगर मुझे तीनों भी सेम कॉलम जो है वो तीनों भी सेम साइज के चाहिए तो क्या करेंगे, हम फॉर्मेट पे जाएंगे, कॉलम विड्थ और एक स्पेसिफिक कॉलम विड्थ देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 16 की दी है, तो अभी इसमें भी अगर ये डेटा नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूंगी उसको थोड़ा सा और नीचे एक्सटेंड कर सकती हूँ, ठीक है। बट अगर मुझे उतने इसमें भी काम हो रहा है तो व्हाट आई कैन डू, अभी ये देखो मेरा यहाँ पे पूरा डेटा नहीं दिखाई दे रहा है, तो अगर मुझे पूरा डेटा दिखवाना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, आर्टिफिट रो हाइट, तो देखो पूरा का पूरा डेटा जितनी उसकी कैपेसिटी थी जितने वर्ड्स थे वो पूरा उसमें आ गया है। तो ऑटो फिट रो हाइट का मीनिंग क्या है, जितना कंटेंट रहेगा उतना वो रो के हिसाब से वर्कआउट करेगा। अब उसमें ये नहीं है कि ये इन तीनों में से जो मैक्सिमम है और जिसको जितनी मैक्सिमम जगह लगती है अकॉर्डिंगली रहेगा, ठीक है। अगर मैं ऑटो फिट कॉलम विड्थ लेती हूँ तो देखिए जितना कॉलम का रिक्वायरमेंट है, फॉर्मेट में गई, ऑटो फिट कॉलम विड्थ, तो जितना रिक्वायरमेंट में उतना उसने लिया सॉरी ओके ठीक है। So, इसी तरीके से हम रो हाइट और कॉलम विड्थ वर्कआउट कर सकते हैं। इकादे सेल का कम ज्यादा किया जा सकता है, ठीक है, बट इकादा सेल कम ज्यादा नहीं होता, वो पूरा का पूरा इंपैक्ट करता है आइदर रो या कॉलम को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन, आपको रो इंसर्ट करना है अब या कॉलम इंसर्ट करना है, तो देखिए आपके पास दो चॉइसेस है। मैंने एक जो कॉलम हेडर है उसके ऊपर राइट क्लिक किया और इंसर्ट किया, तो देखो यहाँ पे जितना मैंने सिलेक्ट किए थे ना, एक कॉलम सिलेक्ट किया तो उसके लेफ्ट में एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट हुआ, ठीक है। अगर मैं दो कॉलम सिलेक्ट करती और इंसर्ट करती तो उसके लेफ्ट में दो ब्लैंक कॉलम क्रिएट होते, ठीक है। नाउ दूसरा ऑप्शन, अब मुझे एक कॉलम इंसर्ट करना है तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, राइट क्लिक किया, इंसर्ट एंटायर कॉलम, तो एक कॉलम इंसर्ट होगा, और एक ऑप्शन है इंसर्ट में गए सॉरी होम में इंसर्ट ऑप्शन है, उसमें इंसर्ट शीट कॉलम्स, तो देखिए पूरा का एक पूरा कॉलम इंसर्ट हुआ, ठीक है। वैसे ही अब हम रो को इंसर्ट करेंगे, अब यहाँ पे मुझे एक रो इंसर्टेड चाहिए तो मैंने नाम रो के नाम पे रो के हेडर पे अगर क्लिक किया, राइट क्लिक किया और इंसर्ट किया तो एक रो उसके ऊपर क्रिएट हो जाएगी,
जितनी रोज मैंने सिलेक्ट की, राइट क्लिक किया, इंसर्ट किया, उतनी रोज ऊपर इंसर्टेड मिलेगी। ठीक है, अब अगर मुझे ये इंसर्ट करना है इस तरीके से, यहाँ पे एक रो इंसर्ट करनी है इन दोनों के बीच में, तो मैं क्या करूंगी, मेरे पास दूसरा एक और ऑप्शन है, इंसर्ट मेनू पे गए, इंसर्ट रो शीट्स किया, और ये देखिए एक रो यहाँ पे इंसर्ट हो। ओके, सो लाइकवाइज ऑल्सो यू कैन इंसर्ट। सो इंसर्शन ऑफ रोज देखा, इंसर्शन ऑफ कॉलम्स देखा। नाउ आपको लगता है कि आपको एक ही कॉलम रिमूव करना है, तो आपके पास दो चॉइसेस है, एक उस कॉलम के हेडर पे क्लिक करो, मतलब पूरा का पूरा सिलेक्ट होता, फिर राइट क्लिक करो और डिलीट प्रेस करो, पूरा का पूरा कॉलम आपका डिलीट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, अगर आप पर्टिकुलर सेल में हो, आपने राइट क्लिक किया, डिलीट पे प्रेस किया, तो वो आपको चार चीजें पूछता है, एंटायर रो, एंटायर कॉलम या सेल्स के हिसाब से आपको उसको डिलीट करना है क्या। तो पहले हमको एंटायर कॉलम डिलीट करना है, तो ओके पे क्लिक किया, तो देखो आपका कॉलम डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको रो डिलीट करना है, तो आपने एंटायर रो लिया, तो पूरी की पूरी रो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, वैसे ही देखो यहां से, जैसे हमने यहां ऑप्शंस वर्कआउट किए, वैसे ही ये देखिए सेल्स में भी है, डिलीट शीट रोज, डिलीट शीट कॉलम्स। तो देखिए क्लास वाला कॉलम जो है वो हट गया। ठीक है, जब तक के मैं सेव नहीं करूंगी ये फाइल, अंडू और उसकी ऑप्शंस वर्कआउट होते रहे। ठीक है, ठीक है, ओके। नाउ अभी आपको अगर सेल्स, अभी अगर सेल्स इंसर्ट करने हैं, जस्ट आई विल शो यू। ठीक है, अभी यहाँ पे एक सेल इंसर्ट करना है, तो आपके पास चॉइस क्या है, राइट क्लिक किया, इंसर्ट किया, अब शिफ्ट सेल्स आइदर राइट या डाउन कर सकते हो। राइट मतलब आपका 11 हट जाएगा, 4 हट जाएगा, और उसके जगह एक ब्लैंक आ जाएगा। आई विल जस्ट डेमोन्स्ट्रेट यू, ये देखिए 4 और 11 शिफ्ट हो गए, और उसके जगह एक ब्लैंक, 4 के जगह एक ब्लैंक सेल क्रिएट हुआ। ठीक है, अब मैं राइट क्लिक कर रही हूँ, इंसर्ट कर रही हूँ, शिफ्ट सेल्स डाउन कर रही हूँ, तो वो क्या करेगा, देखो एक सेल नीचे शिफ्ट कर दिया। मतलब अगर हमको इन बिटवीन कहीं पे ऐसा लग रहा है कि एक आधा सेल चाहिए जहां पे हम वैल्यू ऐड कर सके, तो इस तरीके से आप सेल्स को शिफ्ट करेंगे। ओके, वैसे ही अगर गलती से सेल्स इंसर्ट हो गए हैं तो आपको उसको डिलीट करना है, तो आप सेल को भी डिलीट कर सकते हो। तो अभी जैसे उसकी जगह एक तो नीचे से ऊपर भरी जाएगी या लेफ्ट से राइट भरी जाएगी, तो जैसे अगर सपोज मैंने शिफ्ट सेल्स लेफ्ट किया, तो देखो 11 ने 4 की जो जगह क्रिएट हुई भी थी वहां पे आ गया, जो ब्लैंक जगह क्रिएट हुई भी थी वहां पे आ गया, नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास में है डिलीट अप। तो देखो नीचे के जो है, जो शिफ्ट हो गए थे नीचे, वो सेल्स ने अपनी जगह फिर से ले ली। ठीक है, वही ऑप्शन आपको डिलीट में भी दिखेगा। अगर मैंने डायरेक्टली डिलीट प्रेस किया तो जो भी सिलेक्टेड है वो चला जाएगा, मैंने डिलीट सेल्स लिया तो अभी मेरे पास में फिर से चार ऑप्शंस आए, जो मैंने अभी राइट क्लिक करके आपको डेमोन्स्ट्रेट किए थे। ठीक है, सो इस तरीके से हम इंसर्शन ऑफ सेल, मॉडिफाइंग द साइज, और डिलीशन और इंसर्शन ऑफ रोज, कॉलम्स एंड सेल्स, ये कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, अब हम देखेंगे कि हमको अगर हमारा टेक्स्ट है उसको हैंडल करना है तो कैसे करेंगे, तो फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे टेक्स्ट का, बोल्ड इटैलिक कैसे करेंगे, अंडरलाइन कैसे करेंगे, फॉन्ट साइज, स्टाइल, टेक्स्ट का कलर, बॉर्डर, उसके नंबर फॉर्मेट्स और डेट्स कैसे सेट करेंगे, वो सब हम देखेंगे। ठीक है, तो सेल्स कैसे फॉर्मेट करेंगे, तो ये फॉर्मेटिंग ऑप्शन हम लोगों के वर्ड में हो चुके हैं, बट यहाँ पे वो कैसे इम्पैक्ट करते हैं वो मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज कराऊंगी। यहाँ पे फ्रेंड्स
कुछ जो शॉर्टकट कीज है वर्ड की वो यहाँ पे यूज होती है, बट कुछ शॉर्टकट कीज जो है वो यहाँ पे वर्केबल नहीं होती है. तो यू शुड बी वेरी क्लियर एंड बी वेरी, मतलब आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप जब शॉर्टकट की यूज कर रहे हैं तो कौन सी एप्लीकेबल हो सकती है कौन सी नहीं हो सकती है. ठीक है, फिर अंडरलाइन करना है तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, सिंगल अंडरलाइन करना है कि डबल अंडरलाइन करना है यू के ऊपर क्लिक करके. देन अगर आपको फॉन्ट स्टाइल्स चेंज करना है तो आपको जैसे नेम दिखाई दे रहा है वहां पे ड्रॉप एरो पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको लिस्ट से बहुत सारे फॉन्ट्स दिखाई देंगे, उसमें से जो भी रेलेवेंट फॉन्ट आपको लगता है आप वो सिलेक्ट कर सकते हो. ये जितना आपने सिलेक्ट किया हुआ है या जिस सेल के ऊपर आपको, उसके लिए ही ये एप्लीकेबल रहेगा. जरूरी नहीं कि आप सबके सब पूरे के लिए आप अप्लाई करोगे. ठीक है, देन टू चेंज द फॉन्ट साइज, आप फॉन्ट साइज कम या ज्यादा कर सकते हो. ठीक है, कलर चेंज कर सकते हो, अगर आप मोर कलर्स पे क्लिक करते हो तो आपको और भी ज्यादा कलर्स, एक हेक्सागोन दिखाई देता है उसमें से भी अगर आपको और ज्यादा कलर सिलेक्ट करने हैं तो आप और भी ज्यादा कलर सिलेक्ट कर सकते हो, और फिर स्पेक्ट्रम में से आप आपका जो भी रिक्वायर्ड कलर है वो क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, आपका भले ही आपको ऐसे ना बॉक्सेस बॉक्सेस दिखाई देते हैं बट प्रिंटिंग में हो सकता है आपको ये बॉक्सेस आए या ना आए. तो जनरली हम लोग बॉर्डर्स देते हैं. ठीक है, तो अगर हमको कोई बॉर्डर स्पेसिफिक वर्केबल करनी है तो वो सारी बॉर्डर्स हम लोग यहाँ से डाल सकते हैं. ठीक है, जिनको भी डाउट है प्लीज पोस्ट ऑन द चैट. ओके, फिर हम आपको जैसे जितना आपने सिलेक्ट किया होगा, आपके पास दो ऑप्शंस रहेंगे, आपने सिलेक्ट किया हुआ होगा उतने को वो बॉर्डर देगा, कौन से साइड की बॉर्डर देगा, उस सेल को क्या बॉर्डर देगा, ये सारा आप वर्कआउट कर सकते हो और राइट क्लिक करके भी आप वो चीज काम कर सकते हो. आई विल डेमोन्स्ट्रेट यू. ठीक है, देन आप लोग कलर्स फिल कर सकते हो. फ्रेंड्स, जितना आपने उस एक सेल को सिलेक्ट किया हुआ है उतने को ही वो कलर जाएगा, वो पूरे के पूरे इस पे कलर नहीं जाएगा. ठीक है, जैसे आपका सेल सपोज C5, ये वाला सेल सिलेक्टेड है तो C5 वाले सेल को ही कलर जाएगा, रेस्ट पूरे डॉक्यूमेंट में वो कलर नहीं रहेगा. ठीक है, तो आप फिल कमांड के थ्रू वो चीजें कर सकते हो. देन आपको फॉर्मेटिंग करना है तो फ्रेंड्स बहुत सारा फॉर्मेटिंग अवेलेबल है. जनरली हम जनरल वाला यूज करते हैं बट आई विल डेमोन्स्ट्रेट यू कि इसमें बहुत सारी वैरायटी का आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो. ठीक है, सो एक्सेल इज रियली अ वेरी गुड एंड पावरफुल वन. तो यहाँ पे आप क्या क्या करोगे, जस्ट आई विल शो यू. ओके, अब हम लोग फिर से हमारा वो क्लास का ओपन करते हैं. ठीक है, अब हमको अगर इसको बोल्ड करना है तो जितने सेल्स हमने सिलेक्ट किए हैं उतने सेल्स को हमने सिलेक्ट किया और बोल्ड किया, फिर से क्लिक किया बोल्ड हट गया, कंट्रोल बी प्रेस किया बोल्ड हो रहा है. तो कंट्रोल बी, कंट्रोल आई, कंट्रोल यू, ये जो तीन हम लोगों ने पहले देखे थे वो सब यहाँ पे भी वर्केबल हो रहे हैं. ओके, ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको डबल अंडरलाइन और सिंगल अंडरलाइन ऐसे दो ऑप्शंस हैं, आपके पास चॉइस है आपको उसको कैसे वर्क करना है. ठीक है, ओके, देन नेक्स्ट ऑप्शन. अब आपको ये, मैं इसका फॉर्मेटिंग हटा रही हूं. ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन, आपको फॉन्ट कैसे सिलेक्ट करना है. ये देखिए बहुत सारे फॉन्ट है. अभी जैसे अगर आपको कुछ आपके रीजनल लैंग्वेज, मतलब जैसे अभी एक्सेल का यूज करके आप
हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ ऐसी भाषाओं के लिए भी अगर आप यूज कर रहे होंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका पर्टिकुलर फॉन्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैंने, अगर मुझे मराठी टाइपिंग करना है और मेरे कंप्यूटर में अगर मराठी वाला फॉन्ट इंस्टॉल्ड है, ये जैसे देखिए देवनागरी, तो मुझे मराठी टाइपिंग नहीं आता, बट अगर इसमें का कुछ होगा उसके रिलेटेड तो वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये वाला जो है ना कलम फॉन्ट, ये मराठी वाला फॉन्ट है, बट इट वर्क्स एज पर जो उसके कुछ स्पेसिफिक टाइपिंग मेथड्स होंगे ना उसके हिसाब से ही वो आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही वो आपके कंप्यूटर में भी आप चेक कीजिएगा कि जो आपके कंसर्न, जैसे अभी ये देखिए उर्दू वाला फॉन्ट है, सो लॉट्स ऑफ फॉन्ट्स आर देयर। ठीक है, देन नेक्स्ट आपको आता है फॉन्ट की साइज, तो ये देखिए बाय डिफॉल्ट 72 तक के जाता है, तो अभी यहाँ पे जो सेल सिलेक्टेड है ना उसके बियॉन्ड भी वो गया हुआ दिखता है, बट फ्रेंड्स ये सिर्फ कंटेंट जो है ना आपका ये सेल में, मतलब E1 ये वाले सेल में ही आपका कंटेंट है, बट ऐसा दिखाई देता है कि वो E से शुरू हुआ और M तक चला गया, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो प्लीज अपने आप को मतलब कंफर्म करते रहिएगा कि आपके कंटेंट्स कहाँ पे है। तो कंफर्म करने के लिए बेस्ट जगह एक है कि आपका जो भी सेल है उस सेल पे क्लिक करने के बाद आपको फॉर्मूला बार के अंदर उसके पूरे कंटेंट्स दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से मैं फॉन्ट साइज कम ज्यादा कर सकती हूँ या मैन्युअली खुद भी टाइप कर सकती हूँ, जैसे 11 के जगह मैंने सपोज 2 की फॉन्ट साइज टाइप की। It takes time. तो ये देखिए अगर मैंने यहाँ पे 8 की फॉन्ट साइज की तो वो भी कम हो जाएगा, 2 करती हूँ तो और भी कम हो जाएगा। देखिए कुछ तो दिख रहा है आपको, बट द साइज इज 2। ठीक है, तो इसमें बेसिक साइज इसका कलाम वाले फॉन्ट का 8 का बेसिक साइज है। ठीक है, फॉन्ट को ग्रो या श्रिंक किया जा सकता है जैसे वर्ड में हम लोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मुझे कलर फिल करना है तो ये देखिए सिर्फ जो मेरा सेल होगा ना उसी को वो कलर फिल कर रहा है, अगर मुझे इन पूरों को कलर फिल करना है तो मुझे उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन ठीक है, अभी ये आपको प्रिंटआउट में ना, जब आप प्रिंटआउट निकालोगे तो ये कंटिन्यूएशन में आया हुआ दिखाई देगा, प्रॉपर टेबल जैसा नहीं दिखाई देगा, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, बॉर्डर्स करनी पड़ती है। तो जिसको बॉर्डर करना है उसको मैंने सिलेक्ट किया, फिर अभी देखिए ये ड्रॉप एरो पे जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ ना तो मुझे बहुत सारे बॉर्डर्स के ऑप्शन आते हैं, जैसे बॉटम चाहिए, टॉप चाहिए, सिर्फ लेफ्ट चाहिए, सिर्फ राइट चाहिए, बॉर्डर्स हटानी है तो नो बॉर्डर ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ऑल बॉर्डर्स देना है तो सारी की सारी बॉर्डर्स आएगी, आउटसाइड बॉर्डर यानी सिर्फ बॉक्स जैसा दिखाई देगा। ठीक है, ये देखिए सिर्फ ऐसा ना बॉक्स जैसा दिखाई देगा, ये इसका अंदर वाले जो छोटे छोटे सेल्स है उसको बॉर्डर नहीं आएगी। ठीक है, ऑल बॉर्डर्स करती हूँ तो देखिए सारों को अंदर से बॉर्डर्स भी आ जाती है। ठीक है, थिक आउटसाइड बॉर्डर यानी देखो अंदर और बाहर की जो लाइन्स है उसमें आपको अलग से सेपरेशन फील होता है, तो जैसे अभी ये देखो अपने ये हेडिंग वाला कॉलम है, इसको अगर मुझे थिक बॉर्डर करनी है तो मैंने क्या करना चाहिए, उसको सिलेक्ट करो और फिर कौन से ऑप्शन पे सिलेक्ट करो, थिक बॉर्डर आउटसाइड। ठीक है, अगर आपको डबल बॉर्डर चाहिए, बॉटम बॉर्डर थिक चाहिए, टॉप और बॉटम बॉर्डर चाहिए, टॉप और बॉटम थिक बॉर्डर चाहिए या डबल बॉर्डर चाहिए, तो उस हिसाब से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको लाइन की स्टाइल्स मॉडिफाई करनी है तो वो भी आप यहाँ से लाइन का कलर और लाइन की स्टाइल भी आप मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे हम लोगों ने एमएस वर्ड में किया था। ओके, सो फ्रेंड्स इतनी सारी वैरायटीज है, अभी अगर मुझे उसको कलर चेंज करना है फिल का, तो ये देखिए मोर कलर्स में मैं गई, मुझे यहाँ पे हेक्सागोन दिखाई देता है, ये सपोज मैंने ये वाला ब्लू कलर सिलेक्ट किया वो भी मुझे कंफर्टेबल नहीं है, तो ये देखिए मैंने और इस स्पेक्ट्रम में से जो मुझे लगता है वो मैंने क्लिक किया और ओके पे क्लिक किया, तो वो वाला कलर यहाँ पे फिल में आ जाएगा।
फिल का कलर बैकग्राउंड में आएगा, और अगर मुझे फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो मुझे ए वाले ऑप्शन पे जाके सिलेक्ट करना रहेगा। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से मैं कर सकती हूँ। फॉन्ट में भी मुझे मोर कलर्स, और इन मोर कलर्स में से पहले स्टैंडर्ड में से कोई चाहिए क्या वो देख सकते हैं, नहीं तो फिर कस्टम में जाके जो रिक्वायर्ड कलर है उस पर क्लिक करेंगे तो अकॉर्डिंगली वो कलर आ जाएगा। ठीक है, तो जो आपका सेल रहेगा सिलेक्टेड, फिर एक हो या बहुत सारे हो वो आप कर सकते हो। ठीक है, पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है, पूरी रो सिलेक्ट करनी है। नाउ अब क्वेश्चन में अपीयर कि आप लोगों को अगर पूरी की पूरी वर्कशीट सिलेक्ट करनी है एक ही स्ट्रोक में, तो फ्रेंड्स ये देखिए ये वाला कॉर्नर के ऊपर आएंगे जहां पे अभी मेरा प्लस का साइन दिख रहा है आपको, उस पर अगर मैं आती हूँ तो पूरा का पूरा आपका वर्कशीट सिलेक्ट हो जाता है। और अगर मैं डिलीट बटन प्रेस करती हूँ तो फ्रेंड्स मैंने आपको कहा था कंटेंट्स डिलीट होते हैं, बाकी कुछ नहीं होता। तो अगर आपको रो और कॉलम डिलीट करना है तो आपको सिलेक्ट करके उनको डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, डिलीट बटन से सिर्फ कंटेंट्स डिलीट होते हैं, जैसे हमने वर्ड में देखा था डिलीट कंटेंट, डिलीट करने से कंटेंट्स और हो सकता था वो इमेज या कुछ भी डिलीट हो जाता था, यहाँ पे वैसा नहीं है। आपको अगर एक्सेल में का रो और कॉलम की एंट्रीज आपको डिलीट करनी है तो डिलीट बटन है, बट अगर पूरी की पूरी रो या पूरा का पूरा कॉलम डिलीट करना है तो आपको कंपल्सरीली है डिलीट ऑप्शन यूज करना। ओके, सो आई होप सब लोगों को समझ में आया।